हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के हमीरपुर डिपो को बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। शिमला में परिवहन मंत्री और एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री तथा सदस्य बलदेव दीमान ने हमीरपुर के डीएम अवतार सिंह और आरएम विवेक लखनपाल को 1,00,000 की राशि भेंट की और ट्रॉफी भी प्रदान कर सम्मानित किया। ट्रॉफी और 1,00,000 की राशि के साथ ही हमीरपुर डिपो के 3 कर्मचारियों को भी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बेहतर और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया। इन तीनों कर्मचारियों को 1,000 की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया है। सम्मान पाने वालों में चालक जोगिंदर पाल, परिचालक तोताराम और मैकेनिक राजेश कुमार शामिल है। आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल ने बताया कि हमीरपुर डिपो के बेहतर संचालन व उत्कृष्ट कार्यों के लिए परिवहन मंत्री ने पुरस्कार प्रदान किया है। निगम के कर्मचारियों की वजह से ही ये संभव हो सका है और भविष्य में भी बेहतर सेवाएं देने के प्रयास जारी रहेंगे। दिनांक 17 फरवरी को माननीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी जो है और साथ में 1,00,000 रुपये प्रशंसा के रूप में दिए गए, जो कि हमारे उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए गए। जो मेरा पीरियड नालागढ़ में रहा हुआ है, तो उसमें मैं धन्यवादी हूँ नालागढ़ के स्टाफ का और वहाँ के एम्प्लॉइज़ का, जिनकी अथक मेहनत के कारण ये सब सफल हो पाया। और साथ ही साथ में मंत्री जी के द्वारा हमीरपुर डिपो के 3 कर्मचारियों को, उनमें से एक जोगिंदर पाल ड्राइवर, राजेश कुमार मैकेनिक और तोताराम कंडक्टर जी को भी 1,000 रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया गया है, जो उनकी उत्कृष्ट सेवाएं इस डिपो में पिछले 1 साल में रही। एच टुडे के लिए हमीरपुर से अंकुश की रिपोर्ट।